पेट्रोल की कीमत कम हो चुकी, सरकारी अदारे अब महंगाई कम कराएं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म। ट्वीट में लिखा, वज़ीर-ए-आला से गुजारिश करता हूँ वो यकीनी बनाएं कि ज़रूरी अशिया की कीमतें कम की जाएँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा पाकिस्तानी आवाम को मुंतकिल किया जाए। सरकारी अदारे अशिया की कीमतों में कमी के लिए हिदायात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने भी तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल, प्रेस ब्रीफिंग में कहते हैं, अदम एतमाद की तहरीक पर हुकूमत को आईनी तरीके से हटाया गया था। जब चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया गया तो दवाई खाकर घर में सोया हुआ था। चेयरमैन पीटीआई ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, पुरअमन सियासत की बजाय तशद्दुद का रास्ता अख्तियार किया गया। 9 मई के वाकयात पर लोगों की मुसलसल जहन साजी की गई, नौजवानों के जहनों में बिठाया गया कि इदारे हमारे खिलाफ हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मरियम नवाज की मुलाकात, पार्टी कायद की वतन वापसी के हवाले से अहम उमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर कानूनी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। और कराची के इलाके सौराब गोट में फायरिंग से शहरी की हलाकत पर एहतजाज, मुजाहरीन ने सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। 2 रोज कबल फायरिंग के वाकये में एक शख्स जहां हुआ था। Thank you.